धंतोली पुलिस थाने में पर्यावरण प्रेमी ने पेड़ तोड़ने की शिकायत जनवरी 2023 में दाखिल की थी। इसी शिकायत पर धंतोली पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें निष्पन्न हुआ कि एनएमसी अधिकारी के विरोध में गुनाह दर्ज किया। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुर के द्वारा दी गई है। पूरा मामला ऐसा है कि मध्यवर्ती कारागृह के पास क्लॉक टावर के परिसर में केशिया प्रजाति के 3 और नीम प्रजाति का 1 पेड़, ऐसे 4 पेड़ काटने की जानकारी सामने आई है, जिसमें एनएमसी के उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार और उद्यान निरीक्षक अनूप बाड़ेबूचे, इन्होंने मेसर्स अक्षय इंटरप्राइजेस कंत्राटदार द्वारा ये पेड़ कटवाए है। ऐसी छानबीन में निष्पन्न हुआ है और इसी आधार पर महाराष्ट्र नागरी वृक्ष संवर्धन कानून 1975 कलम 21A के तहत, साथ ही विविध कानून के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। ऐसी जानकारी धंतोली पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा दी गई है। पुलिस स्टेशन धंतोली या ठिकाणी एक पर्यावरण प्रेमीने जानेवारी 23 मध्ये झाड तोडल्याबाबतची तक्रार दिलेली होती। सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता मध्यवर्ती कारागृहाचा जो क्लॉक टावर अजनी चौकचा जो परिसर आहे क्लॉक टावरच्या पाठीमागे, त्या ठिकाणी केशिया प्रजातीचे 3 आणि कडुनिंब प्रजातीचे 1 असे 4 झाडं तोडल्याचे दिसून आले। आणि जे झाडं तोडणारे आहेत ते संबंधित जे आरोपी आहेत, एक चोर पगार म्हणून एनएमसीचे उद्यान अधीक्षक आहेत आणि त्यांच्यासोबत एक अनूप बाडेबुचे उद्यान निरीक्षक यांनी एक अक्षय एंटरप्राइजेसच्या कंत्राटदाराच्या करवी ते झाडं तोडल्याबाबतची तक्रार चौकशीमध्ये निष्पन्न झालेले, त्यांच्याविरुद्ध जे महाराष्ट्र नागरी वृक्ष संवर्धन कायदा 1975 कलम 21A अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याच्यामध्ये 166A IPC प्रमाणेसुद्धा सेक्शन लावण्यात आलेले आहेत। पुढील चौकशी सुरू आहे। इस मामले में अधिक जांच धंतोली पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।